कहानी खत्म हुई और ऐसी खत्म हुई कि लोग रोने लगे, तालियां बजाते। 86 साल की उम्र में रतन टाटा दुनिया को अलविदा कह गए हैं। 9 अक्टूबर की रात 11:30 बजे उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। भारत के इस अनमोल रतन के निधन पर पूरा देश शोक में है। रतन टाटा के पार्थिव शरीर को कोलाबा स्थित उनके घर पर ले आया गया है। यहाँ राजनीति समेत बिजनेस से जुड़े तमाम दिग्गज उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच गए हैं। फिलहाल उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स हॉल में रखा गया है। यहाँ आम लोग दोपहर 3:30 बजे तक उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। रतन टाटा पारसी समुदाय से आते हैं, लेकिन उनका अंतिम संस्कार पारसी रीति रिवाजों के बजाय हिंदू परंपराओं के अनुसार किया जाएगा। उनके पार्थिव शरीर को 4:00 बजे मुंबई के वर्ली स्थित इलेक्ट्रिक अग्निदाह सेंटर में ले जाया जाएगा। यहां करीब 45 मिनट तक प्रेयर होगी। इसके बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया है कि भारत के रत्न को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। हालांकि पारसी धर्म के अंतिम संस्कार का तरीका बिल्कुल अलग होता है। जानकारी के मुताबिक अंतिम संस्कार को छोड़कर उससे पहले होने वाली सारी प्रक्रिया पारसी नियमों के मुताबिक ही की जाएगी। 4:00 बजे सबसे पहले रतन टाटा के पार्थिव शरीर को वर्ली के शमशान घाट में ले जाया जाएगा। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को प्रेयर हॉल में रखा जाएगा। करीब 45 मिनट तक प्रार्थना की जाएगी। प्रार्थना हॉल में पारसी रीति से गेहे सारून पढ़ा जाएगा। रतन टाटा के पार्थिव शरीर के मुंह पर एक कपड़े का टुकड़ा रखकर अनावेती का पहला पूरा चैप्टर पढ़ा जाएगा। ये शांति प्रार्थना की एक प्रक्रिया है। प्रेयर हॉल में करीब 200 लोगों के मौजूद होने का अनुमान है। ये पूरी प्रक्रिया होने के बाद पार्थिव शरीर को इलेक्ट्रिक अग्निदाह में रख दिया जाएगा और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि पारसी समुदाय में अंतिम संस्कार किया कैसे जाता है। दरअसल पारसी समुदाय के लोग मृत शरीर को ना तो हिंदुओं की तरह जलाते हैं और ना ही ईसाइयों या मुसलमानों की तरह दफनाते हैं। उनकी प्रथा दोनों से अलग है। दरअसल पारसी समुदाय पंचतत्व को बहुत पवित्र मानते हैं, खास करके आग को, क्योंकि वे आग की पूजा भी करते हैं। इसलिए वे ना ही अपने मृत शरीर को जलाते हैं और ना ही उसे जमीन में दफनाते हैं और ना ही पानी में बहाते हैं। पारसी समुदाय का मानना है कि इंसानी शरीर प्रकृति का दिया हुआ एक तोहफा है, जिसे मौत के बाद उसे वापस प्रकृति को लौटाना होता है। पूरी दुनिया में पारसी समुदाय इसी भावना के साथ मृत शरीर का अंतिम संस्कार करते हैं। इसके लिए मृत शरीर को टावर ऑफ साइलेंस में रख दिया जाता है, जिसके बाद शव को चील और गिद्धों के हवाले कर दिया जाता है। टावर ऑफ साइलेंस को दखमा भी कहा जाता है। पारसियों के अंतिम संस्कार की परंपरा 3,000 साल पुरानी है। टावर ऑफ साइलेंस एक खुली गोल इमारत या संरचना होती है। इसके बीच में एक गड्ढा होता है। इस गड्ढे में मृतकों के शरीर को रख दिया जाता है। आसपास के पक्षी इन शवों को खा जाते हैं और इस तरह शरीर को प्रकृति के पास वापस लौटा दिया जाता है। अंत्येष्टि की इस प्रक्रिया को दोख मिनाशनी कहा जाता है। पारसी समुदाय का ये तरीका पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि इसमें किसी तरह के रसायन या प्रदूषण का उपयोग नहीं होता। लेकिन भारत में अब ये परंपरा बहुत कम ही पारसी अपना रहे हैं। अब भारत के आसमान में ना तो चील दिखाई देती है और ना ही गिद्ध। लगभग ये सब गायब हो चुके हैं। कभी कभार एक आधा गिद्ध आसमान में उड़ता हुआ नजर आ जाता है। इसलिए पारसियों के लिए इस परंपरा का पालन कर पाना मुश्किल हो गया है। इस वजह से भारत में रह रहे कई परिवार अपने मृतक परिजनों के शवों को हिंदुओं के शमशान घाट में या फिर विद्युत शवगृह यानी इलेक्ट्रिक शवगृह में ले जाते हैं। खैर, इस खबर में इतना ही। रतन टाटा से जुड़े तमाम किस्से और कहानियां जानने के लिए वीपी लाइव से जुड़े रहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।